लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करने बीकानेर पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाक को जमकर लताड़ पिलाते हुए पद छोड़ने की नसीहत दे डाली। वे आज सूरज टॉकीज में आयोजित सम्मेलन में संख्यात्मक रूप से कम पदाधिकारी पहुंचने से नाराज दिखे और भाषण के दौरान खरी खरी सुनाई। भाषण में डोटासरा ने कहा कि आप दोनों संख्या बुलाने में नाकाम रहे, अगर आप काम नहीं कर सकते तो दूसरे को मौका दो। इस सम्मेलन में डॉक्टर बी डी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और गोविंद मेघवाल भी उपस्थित रहे। ये तीनों पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तीनों को हार का सामना करना पड़ा। तो जो ये उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। और जो दो महीने में जिस प्रकार से बीजेपी की पर्ची सरकार फेल हुई है, मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ कि 20 दिन तक मंत्री नहीं बने, दो महीने तक उनके ऐसे नहीं लगे, चलते चुनाव में अग्निवीर मंत्री बना दें जो आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन हो, एजी नहीं लगे, डबल एजी नहीं लगे, बाबू नहीं लगे। पेंशन में कोई जो ओल्ड एज पेंशन वहां से 250 रुपए आती है उसके ऊपर कोई इंक्रीज नहीं किया गया, और जो एमएसपी के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की। हम कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है इसका 80% लोग जो है गांव में रहते हैं, उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई। और ऐसा बजट जो है वो जैसे इन्होंने कहा जूली जी ने, मेरा ख्याल है कि ऐसे बजट के साथ गरीब और नीचे जाएगा, अभी ज्यादा जो बहुत बड़ा गैप बढ़ेगा। आज आप देखिए कि जो हमारी करेंसी है भूटान के साथ बराबर है, भूटान और हमारी एक इतनी सी कंट्री जहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं है उसके पास वहां पहुंच गया, और श्रीलंका की हमसे करेंसी ज्यादा मजबूत है। जो हमारे रेमो 100 दिन में काला धन लाने की बात की गई हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई हो, चाहे महंगाई कम करने की बात की गई हो, चाहे डॉलर रुपया बराबर करने की बात की गई हो, चाहे आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई हो, ये 10 बजट आ चुके हैं। ये इनका अंतिम बजट है, ये इनके ताबूत में अंतिम कील ठुकरी है। ये जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं सिवाय और सिवाय दो इनके जो मित्र हैं उनके लिए काम हो रहा है, उनके लिए बजट है, देश के आम आवाम के लिए बजट नहीं है।